खबर सामने आ रही है नीट पेपर लीक केस में अब ईओयू का एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। ईओयू टीम ने झारखंड के देवघर से 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इस मामले की अहम कड़ी आरोपी सिंटू भी देवघर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। सिंटू भी कई खुलासे अभी कर रहा है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर क्योंकि ईओयू का एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है और इसी बीच देवघर से 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है आरोपी सिंटू पर सूत्रों के हवाले से खबर, रवि अत्री से पेपर मिलना स्वीकारा है आरोपी सिंटू ने। इसी पेपर को अमित और नीतीश को भेजा गया। रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और आंसर शीट लेने के बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था ये पूरा क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर शीट। ये बड़ी जानकारी, देखिए एक एक करके खुलासे बड़े हो रहे हैं, तार जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक हम पटना की बात कर रहे थे, अब झारखंड का भी इसमें जिक्र हो रहा है और सिंटू जो है वो झारखंड के देवघर से ही है। सिंटू ने कुछ और नामों का ऐलान किया है। रवि अत्री से पेपर मिला था, आगे अमित और नीतीश को दिया गया, तो इसमें देखिए कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन अब गिरफ्तारियां कितनी होगी देखना होगा, क्योंकि गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी दूसरी तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पेपर लीक को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है, उबाल है और जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को लेकर एक जो नई नीति है, जो नया कानून है, उसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नई नीति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लाई गई है, जिसके तहत अब जो है जो पेपर माफिया, जो पेपर लीक माफिया है, उस पर चाबुक चलाने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से ये नई नीति उत्तर प्रदेश सरकार की काम करने वाली है। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, यानी हिंदू मुस्लिम बूथ की इस मामले में भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीट परीक्षा में धांधली और यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने पर कहा है कि एग्जाम देने वाले 14 लाख छात्रों में से 5-10% मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी छात्र हिंदू हैं। क्या ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा? जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए, अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वो लोग कहां हैं जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को हिंदुओं के साथ अन्याय बताया, साथ ही आरएसएस और पीएम मोदी से भी इस मसले पर जवाब मांगा। आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया, प्रधानमंत्री जी चुप हैं और एबीवीपी किन से आवेदन देने गए मंत्री जी को, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हो रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दे डाली है और कहा है कि बच्चों के मामले में कम से कम कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह को आदत हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन कम से कम परीक्षा को तो बख्शे, राजनीति में वो प्रतिदिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, हर चीज में करते हैं, लेकिन कम से कम परीक्षा को बख्श देना चाहिए और कांग्रेस को जो अपना एजेंडा है तुष्टिकरण का, उसको इस परीक्षा से छोड़ देना चाहिए। दिग्विजय सिंह का बयान उस वक्त आया है जब पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल है, जांच एजेंसियां आरोपियों की धर पकड़ में जुटी हैं, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे को धर्म से जोड़ना कितना जायज है? हर तरफ ये सवाल उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर जल संकट को लेकर बीजेपी आज भी प्रदर्शन कर रही है और लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी का अनशन का दूसरा दिन है। तो
आपको बता दें, एक तरफ राजधानी दिल्ली जल संकट की मार झेल रही है, दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी और तीसरी तरफ इसी जल संकट पर जबरदस्त सियासत की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, लेकिन जल संकट को लेकर ओखला इलाके में प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, सिर पर मटका लेकर महिलाएं जो है नारेबाजी कर रही है, अपना आक्रोश अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। बाद विधानसभा क्षेत्र की ये सारी महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुंची भी है और आगे में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय है, उनका घेरा करेगी। कहना है कि पिछले एक महीने से घर में पीने का पानी नहीं मिल पाया है, पानी नहीं आ रहा है और टैंकर माफियाओं को पैसे देते हैं, जेब से पैसे खर्च करते हैं, तब तो पानी मिल जाता है लेकिन ऐसे पानी मुहैया नहीं हो पा जी। पानी शौक नहीं मजबूरी है, पानी बहुत जरूरी है। अब इतनी किलकती कौन सा 45-46 डिग्री सेल्सियस में पब्लिक को घर में रहना चाहिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, इतने तरस रहे हैं कि आज की तारीख में पानी बहुत जरूरी है, खाना नहीं मिला पर पानी पानी ये पूरे यूं तो सोचो कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से ही पानी नहीं है, पानी की किल्लत में हम परेशान है, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैं नहाए धोए भी बस मेकअप करके निकल रही हूँ, नहाने को पानी नहीं है, नहाए नहीं है हम लोग, चार दिन हो गए नहाने का पानी नहीं आ रहा है। अब ये इसको आतिशी को बदल देना चाहिए, जो पानी न दे सके वो सरकार बदलनी है हमें, और आज हम पूरे आक्रोश के साथ हम जल बोर्ड में अपना प्रदर्शन करेंगे। आतिशी जो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, वो तो सत्याग्रह में बैठ गई है, समझ नहीं आ रहा हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है, इसलिए हम दिल्ली वालों को यहाँ नहीं आ रहा, वो अनशन पे बैठी ही क्यों है। अरे अनशन पे बैठना होता तो जब एक बाल्टी पानी लेके चार मंजिल चढ़े और टैंकर से पानी जो आ रहा है तब उसको पता लगे कि चार